ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की बैठक में नव निर्वाचित अंकुर मिश्रा चुने गए महासचिव। अंकुर मिश्रा कानपुर से हैं और अंकुर मिश्रा ने आम सदस्य व प्रबंधन के मध्य समन्वय स्थापित कर संस्था एवं अधिकारियों के हित में कार्य करने को प्राथमिकता देने की बात कही। आइए सुने क्या बोले अंकुर मिश्रा महासचिव। सर, अभी आपको संस्था ने जनरल सेक्रेटरी के पद पर आसीन किया है, तो इस पद का निर्वाह किस तरह से करेंगे और पूरा पद, पूरी संस्था का नाम अपना परिचय देते हुए बताएँ। ठीक है, मेरा नाम अंकुर मिश्रा है। मैं इंडियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, जो कि आईवॉक से संबंध है, आईवॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड सुपरवाइजरी कैडर है, उनका सबसे बड़ा संगठन है। इस समय आईवॉक में लगभग 260,000 अधिकारी, बैंक अधिकारी इसके सबसे मेंबर हैं। उसी का एक संगठन है इंडियन बैंक में, जो कार्य करता है इंडियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन UPN उत्तराखंड। ये संगठन में जो UPN उत्तराखंड में इंडियन बैंक के अधिकारी हैं वो इसके मेंबर हैं। लगभग 90% जो अधिकारी हैं इंडियन बैंक के, वो हमारे मेंबर हैं, सदस्य हैं। उसके लिए मुझे जनरल सेक्रेटरी के पद पर आसीन किया है संस्था ने। मुझे जिम्मेदारी दी है कि इस पद पर जो भी ऐसे साथी हैं जिन्होंने मुझको जिम्मेदारी दी सौंपी है, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उनकी जो अपेक्षाएँ हैं, उम्मीदें हैं, उनको पूरा कर सकूँ। जहाँ तक कार्य की बात है, संगठन का सबसे पहला कार्य रहता है अपने जो अधिकारी हैं उनके सम्मान को सुरक्षित रखना। कोई ऐसी बात ना हो प्रबंधन की तरफ से, और प्रबंधन और जो हमारे आम अधिकारी है उसके बीच में एक समन्वयक का कार्य करना, उसके बीच में एक ब्रिज का काम करना। जो प्रबंधन की बातें हैं, प्रबंधन जो कहना चाह रहा है वो बातें अपने आम आदमी तक, आम जो अधिकारी है उस तक पहुँचाना। जो आम अधिकारी की अपेक्षाएँ प्रबंधन से हैं वो हम प्रबंधन तक पहुँचाते हैं, और अपने प्रयास करते हैं हम लोग संगठनिक रूप से कि जो भी मतलब आम अधिकारी की अपेक्षा है वो पूरी कर सकें, जो भी उसको समस्याएँ हैं वो जो प्रबंधन है उस प्रबंधन उस तक पहुँचा सकें। बैंक की जो दैनिक क्रियाकलापों में जो समस्याएँ आती हैं, ये हमारा प्रयास रहता है कि उनको भी उन समस्याओं से प्रबंधन को अवगत करा सकें, उससे कि जल्द से जल्द हमारे जो ग्राहक हैं उनको भी फायदा हो, जो भी समस्याएं बैंक में आ रही हैं वो ना। ये हमारा एक ओवरऑल उद्देश्य रहता है।